Nurturing excellence. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अवेकेश अकेडमी के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। भाई अभी अपना चैप्टर चल रहा था सीरीज, ठीक है, तो उससे इसके अपन ने पहले देख लिया था कि सीरीज में क्या होता है, कैसे किया जाता है, सीरीज क्या चीज होती है, ठीक है। उससे नेक्स्ट फिर अपन ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था कैपिटल लेटर सीरीज, जिसमें कैपिटल लेटर्स पे बेस्ड जो सीरीज आती है उसके अपन ने क्वेश्चंस कर लिए थे। आज अपन करेंगे उससे नेक्स्ट स्मॉल लेटर बेस सीरीज, मतलब सीरीज जो स्मॉल लेटर्स पे बेस होती है, ठीक है, कि जिसमें जो अपने को क्वेश्चंस आएंगे वहां सिर्फ वो स्मॉल लेटर्स ही आएंगे। और वैसे भी इसका नाम स्मॉल लेटर दे दिया, लेकिन वैसे क्या है, इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप के आते हैं। भाई उसमें तो अपने को क्या था कि नेक्स्ट स्टेप फाइंड करना था, या फिर मिडिल में कोई एक स्टेप छोड़ा हुआ रहता था वो अपन फाइंड करते थे। तो उसके लिए अपने को उनका गैप देखना पड़ता था कि इसमें प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, या फिर अपोजिट रिलेशन जो भी लग रहा था। यहाँ अपने को इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं करना था, यहाँ अपने को उसके ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए थे वो तो वहां अपने को फिल करना पड़ता है कि क्या आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें दो तरीके यूज में लिए जाते हैं, एक तो होता है फैक्टर मेथड, कि जो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है, कि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और अपने से पूछेगा कि ये जो ब्लैंक स्पेसेस है इसके अंदर क्या आएगा, तो उसमें क्या कर सकते हैं। एक तो बाय फैक्टर का मेथड का मतलब है कि इसमें अपन नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं कि कितने हैं विद ब्लैंक स्पेस, मतलब ब्लैंक स्पेस के साथ में इसको नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लेते हैं एंड फिर उसके फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 हो चुके हैं, तो 12 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 4, 3 या 3, 4, तो इस तरीके से इनके सीक्वेंस बना के फिर किया जाता है। बट ये जो मेथड है ये सब पे वर्क नहीं करता, मतलब कुछ ही क्वेश्चंस पे काम करता है लेकिन सब पे काम नहीं करता, इसलिए अपन करेंगे बाय ऑप्शन मेथड। मतलब इसमें क्या हो गया कि अपन ऑप्शन से वहां पुट करके देखेंगे कि एक सीक्वेंस बन जाएगा, कि एक पूरा एक मतलब वर्ड बनेगा और वो ही बार बार रिपीट होता रहेगा, वो ही पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिपीट होता रहता है, मतलब एक सीक्वेंस बन जाता है, एक सीरीज बन जाती है, ठीक है। तो इसी मेथड से करेंगे अपन बाय ऑप्शन मेथड से। तो चलते हैं देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि जैसे ए स्पेस बी बी ब्लैंक ए बी सी ए ए ब्लैंक बी सी, ठीक। तो अपने को क्या करना है कि ये जो खाली स्पेसेस छोड़े हुए हैं यहाँ अपने को पता लगाना है कि यहाँ कौन सा लेटर आएगा, ठीक। तो देखो ये उस जो अपन ने पहले जो इसका टाइप पढ़ा था सीरीज का उससे डिफरेंट है। भाई उसमें तो अपने को कंटिन्यू लेटर्स दिए हुए होते थे और नेक्स्ट लेटर अपने को फाइंड करना होता था, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग का फाइंड करना हो या मिडिल का, लेकिन एक ही लेटर फाइंड करते थे अपन, ठीक। तो वो अपन क्या करते थे कि उसके बीच में जो भी रिलेशन हो, गैप का या प्लस माइनस या दोनों चीज हो रही हो, कैसे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वो चीज देख के अपन कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ अपने को देखो कितने सारे स्पेसेस दिए हुए हैं और यहाँ बताना है कि ये जो ब्लैंक स्पेसेस है इस जगह पे कौन सा लेटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ अपन इनकी प्लेस वैल्यू नहीं रखेंगे, प्लेस वैल्यू वाले वो ही थे कैपिटल लेटर वाले, स्मॉल लेटर वाले में अपन इनकी प्लेस वैल्यू नहीं रखेंगे, यहाँ अपने को बनाना है एक सिक्वेंस। अब देखो वो चीज कैसे बनती है कि जैसे देखा अपने ए फिर स्पेस फिर बी और फिर नेक्स्ट आ गया बी फिर स्पेस है, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे कि ए के बाद में देखो यहाँ क्या आया, ए आया और उससे पहले क्या आया, सी आया, ठीक। तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, ये देखो ए डबल ए आ रहा है और डबल ए के पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है। एक चीज अपने को पता चला कि क्या आ रहा था, डबल बी आ रहा था, तो अपन ये देखते हैं कि देखो ऑप्शन से भी देखते हैं तो यहाँ सब में ए है, तो मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ गया। भैया ऑप्शन में भी देखिए तो फर्स्ट लेटर सबका ए ही है और यहाँ भी अपन ने देखा कि डबल ए आ रहा है एक जगह और एक जगह डबल बी आ रहा है, तो देखो यहाँ क्या बना, डबल ए डबल बी। अब देखो सी अपने को डबल नहीं दिखा, सिंगल ही दिखा है, तो यहाँ रखते हैं सी, तो क्या सिक्वेंस बना, डबल ए डबल बी सी। अब देखो फिर से आ गया, तो इसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं, ए डबल ए। अब नेक्स्ट क्या बनना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, डबल ए डबल बी सी बना था, तो देखो डबल ए बन गया, अब क्या बनना चाहिए, डबल बी और सी बन गया एक सीक्वेंस। देखो फिर से डबल ए फिर डबल ए आ चुका, उसके बाद क्या था, डबल बी, तो यहाँ आ गया बी और सी, बन गया ना देखो एक, इसी तरीके से एक सीक्वेंस बन जाएगा आपके
AA BC, फिर AA BC, AA BC, ठीक है। तो देखो यहाँ अपने को आंसर क्या करना पड़ेगा, अपन यहाँ आंसर करेंगे जहां अपन ने ये ब्लैंक स्पेसेस जो लेटर रखे हैं, मतलब जो रेड कलर के लिखे हैं ये अपन ने लिखे हैं बाद में, ये तो बाकी तो क्वेश्चन में दिए हुए थे। तो यहाँ क्या लिखा अपन ने, AC AB B, AC AB B, ये लिखे हैं अपन ने। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं अपन कि AC AB B किसमें, AC AB B ऑप्शन 1, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AC में CA B में BA, फिर ब्लैंक AC A, फिर ब्लैंक, फिर A एंड B, ठीक। तो अपने को इसमें भी क्या करना है, सेम वैसे ही करना है कि इनमें अपन देखेंगे सीक्वेंस बना के कि देखो क्या सीक्वेंस बनता है। यहाँ ब्लैंक दे रखे, इन ब्लैंक्स में अपने को फिल करना है कि क्या लेटर आएगा, ठीक है। देखो क्या दिया AC, ठीक है। यहाँ आगे और जाके देखते हैं कि AC ये मिला अपने को, अपने को इसी से कंपेयर करके देखना, इसी पूरी क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी से देखो ए और सी दिया हुआ था, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि ए और सी कहाँ है, ये रहा ए और सी, उसके बाद में क्या है, ए है, तो मतलब यहाँ पर क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। तो क्या बनाइए, AC, फिर AC, फिर बना AB। अभी यहाँ देखो बी से पहले ए है, तो यहाँ वापस ए रख सकते हैं। तो क्या बना सीक्वेंस, AC AC AB AB, फिर से नेक्स्ट क्या बनेगा, AC AC AB AB, बन गया सीक्वेंस। इसी तरीके से आपको बनाना है भाई, यहाँ स्टार्टिंग में देखो ये जैसा लिखा हुआ है आगे कहाँ दिख रहा है, उसके आगे क्या है, उससे पे पीछे क्या है, ठीक है। और उसी से अपन वर्ड लिख देंगे अपन यहाँ पे, और अपना एक सीक्वेंस बन जाएगा। फिर पर्टिकुलर वो एक साइकिल की तरह चलता रहता है, जैसे AC AC AB AB, फिर AC AC AB AB, अब नेक्स्ट आगे लिखेंगे तो वही आएगा, AC AC AB AB, AC AC AB AB, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ देखो क्या बना, AC AC AB AB, यहाँ जाके एक कंप्लीट हुआ साइकिल, फिर चालू हुआ AC AC AB AB, ठीक है। तो यहाँ देखो अपन ने क्या क्या लिखे हैं लेटर्स, AACB, ये लिखा अपन ने AACB, तो देखते हैं AACB किसमें हो रहा है, ऑप्शन सेकंड में, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज AA ब्लैंक BA ब्लैंक BB ए बी, ठीक। अब देखो यहाँ क्या है, ए ए फिर ब्लैंक, फिर बी ए फिर ब्लैंक, फिर बी बी फिर ब्लैंक, फिर ए बी फिर ब्लैंक, ठीक। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या रख सकते हैं अपन। देखो यहाँ ए ए आया और उसके बाद में स्पेस है, पर एक जगह आपने देखा कि डबल भी आ रहा है, डबल भी आ रहा है, और उससे पहले बी, उसके बाद में बी आया और फिर ए आ गया, मतलब यहाँ क्या आना चाहिए था, डबल बी है तो यहाँ डबल बी बनेगा, तो क्या बना AA BB। अब यहाँ ए बना तो वापस ए बना के देख लिया अपन, तो क्या बना AA BB, फिर AA BB, तो नेक्स्ट क्या होगा, AA BB, ठीक। तो यहाँ देखा अपन ने कि अपन ने यहाँ क्या क्या रखा है, यहाँ सीक्वेंस क्या बना, AA BB AA BB AA, तो अपन ने रखा क्या क्या है यहाँ पे, BA AB। अब देखो मैं इसको आपको बाई फैक्टर मेथड भी करके दिखाता हूँ, अपन उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ अगर टोटल काउंट करूंगा मैं, तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 12 है, विथ ब्लैंक स्पेस, मतलब अपने को जो एलिमेंट्स काउंट करेंगे वो ब्लैंक स्पेस के साथ में काउंट करेंगे। तो 12 आया, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 3 4 एंड 4 3, ठीक है। तो पहले क्या करता हूँ मैं, 3 3 के पेयर बनाता हूँ। तो देखो यहाँ से अगर मैं 3 3 के पेयर बनाऊंगा, क्वेश्चन क्या था अपना, AA स्पेस BA फिर स्पेस, फिर था BB फिर स्पेस, फिर AB फिर स्पेस, तो 3 3 के बनाऊंगा मैं अगर पेयर, तो देखो 3 3 के पेयर कैसे बनेंगे, ये 3 फिर ये नेक्स्ट 3 फिर उसके बाद ये 3 और ये लास्ट 3। तो देखो इसको लिखते हैं अगर कि AA फिर स्पेस, फिर है BA फिर स्पेस, उसके बाद में है BB फिर स्पेस, फिर AA BB फिर स्पेस, ठीक है। तो यहाँ देखो बाई फैक्टर मेथड में जब भी करते हैं तो ये बाई फैक्टर करके अपन ने लिख ली है, बट इसमें ये है कि यहाँ ऊपर ए है तो इसके नीचे भी ए ही आना चाहिए, तो ही वो सही है, अदरवाइज वो गलत है, ठीक। तो अपन ने जब 3 4 के बनाए तब तो अपना गलत नहीं किया, अपन क्या करते हैं 4 3 के बनाते हैं, ठीक है।
फोर्थ तरीके जब बनाएंगे तो देखो क्वेश्चन क्या था अपना, ए स्पेस बी ए फिर स्पेस फिर बी फिर स्पेस फिर ए बी, ठीक है ये था। अब अपने को सीक्वेंस कितने थे कि बनाने, फोर फोर के सीक्वेंस बनाने, तो देखो ए ए स्पेस ये बन गया फोर का, एक दो तीन चार फोर हो गए, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री और यहाँ स्पेस है ये हो गए फोर, फोर फोर के बन गए थ्री। अब इनको लिखते हैं, देखो इनको फिर एक रो के अंदर लिखना है अपने को कि ए ए स्पेस बी, फिर है ए स्पेस बी बी, फिर है स्पेस ए बी स्पेस, ठीक है। अब अपने को क्या करना है इसमें, ये देखना है कि ए के नीचे ए ही आना चाहिए, मतलब उस पूरी कॉलम के अंदर सेम आनी चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ए था यहाँ ए था, तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, फिर यहाँ ए फिर यहाँ ए तो यहाँ रख देंगे ए, फिर यहाँ देखो बी और बी है तो यहाँ रख देंगे बी, फिर से बी और बी तो यहाँ रख देंगे बी। तो देखो अपन ने स्टार्टिंग से काउंट करते हुए चले क्या क्या रखा, फर्स्ट अपन ने यहाँ देखो बी रखा, फिर सेकंड रो में क्या रखा ए रखा, फिर थर्ड रो में क्या रखा ए रखा, और फिर क्या रखा बी। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आया बी ए ए बी, और यहाँ से भी अपना आंसर क्या आएगा बी ए ए बी, तो यहाँ हो जाएगा बी ए ए बी, ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर, दोनों ही तरीके से हो रहा है। बट ये जो बाई फैक्टर मेथड है ये किसी क्वेश्चन पे काम करता है कि मतलब सब क्वेश्चन पे काम नहीं करता, इसलिए अपन इस तरीके से करते हैं, वैसे आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट है ए ए ब्लैंक, फिर है ए ए ए फिर ब्लैंक, फिर फोर टाइम फिर ब्लैंक, फिर है फोर टाइम फिर ब्लैंक और फिर। अब देखो यहाँ अपने को और कुछ ही नहीं दिख रहा, आप सिर्फ ए ए ब्लैंक ए ए ब्लैंक ए ब्लैंक, ठीक है कंटिन्यू, बट लास्ट में इसमें बी दे दिया, अगर ये लास्ट में बी नहीं दिया होता तो अपन यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे सब में ए ए भर देते, भाई वो कोई लेटर ही नहीं आ रहा तो सब में ए ए भर देते तो ठीक हो जाता, बट यहाँ लास्ट में उसने बी दे दिया, इसका मतलब ये बी आया तो इसका कोई लॉजिक है। अब देखो अपन एक बार रख के देखते हैं कि यहाँ ऑप्शन से देखो कि दो में तो ए और आ रहा है, तो ए ए तो रख नहीं सकते क्योंकि लास्ट में बी आ गया, तो अपन क्या रखते हैं एक बार बी रख के देखते हैं कि अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं वापस ट्राई करेंगे। तो देखो क्या बना ए ए मतलब डबल ए, फिर क्या बना बी, फिर यहाँ देखो क्या आया ट्रिपल ए, फिर अपन रख दे अगर बी तो देखो क्या बना लॉजिक डबल ए बी ट्रिपल ए बी, तो यहाँ क्या होगा फोर ए बी, अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए फाइव ए बी, तो बी तो आ गया बट यहाँ ए फोर आए थे तो इसको क्या बना देंगे फाइव ए बना दिया, तो क्या बना यहाँ लॉजिक बन चुका है अपना कि डबल ए बी ट्रिपल ए बी फोर ए बी फाइव ए बी, ठीक है। तो अपन ने यहाँ लिखा क्या बी बी ए, तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर, ठीक है। आपको इसी तरीके से करना है, आपका आंसर इस क्वेश्चन के अंदर ही होगा, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि इसमें लेटर्स जो लिखे हुए हैं उनका सीक्वेंस क्या है, कौन सी जगह पे कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपना यह आंसर निकल के आ गया बी 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 ए, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है ब्लैंक एस टी टी फिर ब्लैंक फिर टी टी फिर ब्लैंक फिर टी टी एस और फिर ब्लैंक, ठीक ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपको। अब देखो इसमें देखते हैं अपन कि एस आया पहले ब्लैंक है और उसके बाद में एस और फिर डबल टी है, अब यहाँ अगर एस से देखें तो उससे पहले भी क्या है डबल टी है, मतलब एस के आगे भी डबल टी है एस से पहले भी डबल टी है, तो यहाँ क्या आना चाहिए फिर एस से पहले देखो यहाँ क्या आ रहा है टी आ रहा है, तो यहाँ भी अपन क्या रखेंगे टी रखेंगे, तो क्या बना एस डबल टी, अब देखो डबल टी के बाद में क्या आ रहा है यहाँ से देखो डबल टी के बाद में क्या आ रहा है एस, तो यहाँ लिख दिया एस, क्या बना टी एस डबल टी एस डबल टी, फिर क्या आएगा एस फिर डबल टी फिर एस, तो क्या यहाँ क्या गया, तो अपन ने सीक्वेंस बन चुका है कि एस से पहले भी डबल टी है और एस के बाद में भी क्या है डबल टी है, तो अपन ने रखा क्या है यहाँ पे टी एस एस टी एस टी, तो ये देखते हो ऑप्शन में टी एस एस टी ऑप्शन वन इज राइट आंसर, ओके। इसी तरीके से करना है, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ये देखने में ऐसे लगता है कि इसमें कैसे करेंगे, यहाँ अपने को आंसर इसका क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है, बस तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि कोई लेटर आ रहा है तो उससे पहले क्या आ रहा है उसके बाद में क्या आ रहा है, सिर्फ इसको ध्यान से देख लिया तो आंसर इजीली हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट है स्पेस एन एम एन एन सॉरी यहाँ क्वेश्चन था स्पेस एन फिर एम फिर से एम फिर एन फिर स्पेस फिर एम फिर से एम एन एन फिर ब्लैंक स्पेस फिर एम
फिर एम, फिर एन, और फिर एम, और फिर ब्लैंक स्पेस, ठीक है, ये दिया हुआ आपको। अब देखो इसमें देखेंगे कि क्या लिखा हुआ था, स्पेस, फिर एन, एम, फिर स्पेस, फिर एम, एन, फिर स्पेस, फिर एम, एन, एम, फिर स्पेस, ठीक है। अब देखते हैं कि एन आया, एन से पहले देखो यहाँ क्या है, एम, यहाँ भी देखो एन से पहले क्या है, एम, यहाँ भी देखो एन से पहले क्या है, तो अपन यहाँ एन से पहले क्या रख सकते हैं, एम रख सकते हैं, तो क्या बना, एम एन। अब देखो एम एम के बाद में यहाँ देखो डबल एन आ रहा था, यहाँ भी एम के बाद में कितना है, डबल एन आया, तो यहाँ पर डबल एन कर सकते हैं, तो क्या बना, डबल एम डबल एन, फिर डबल एम डबल एन, फिर तो यहाँ क्या होना चाहिए था, एम बन गया डबल एम, फिर डबल एन, फिर एम, तो यहाँ नेक्स्ट क्या होना चाहिए, डबल एम करना था, तो यहाँ गया एम। भाई यहाँ अपने को लॉजिक क्या मिला, फिर डबल एम, फिर डबल एन, फिर डबल एम, फिर डबल एन, फिर डबल एम, फिर डबल एन, फिर डबल एन, ठीक है। तो अपन ने रखा क्या है यहाँ पे, एम एन एम एन एम एन एम एन, तो यहाँ अपन ऑप्शन में देखें अगर, तो अपना ऑप्शन आ रहा है एम एन एम एम। अच्छा यहाँ स्टार्टिंग में देखो क्या आएगा, एन था, तो एन से पहले देखो यहाँ डबल एन था, तो यहाँ हो जाएगा एन हो जाएगा, यहाँ यहाँ स्टार्टिंग में एन होगा, तो क्या हुआ कि डबल एन डबल एम, ऑप्शन आया अपना डबल एन डबल एम, तो ऑप्शन वन इज राइट आंसर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सी सी, फिर ब्लैंक है, फिर सी सी बी सी, फिर ब्लैंक है, फिर ए सी सी बी सी सी, फिर ब्लैंक, फिर सी, फिर ब्लैंक, फिर बी, ठीक है, ये अपने को दिया हुआ था। अब देखो यहाँ अपन को सिर्फ क्वेश्चन को ये ध्यान से देखना है कि डबल सी आया, नेक्स्ट आगे और जाके देखो कि डबल सी क्या है, ये रहा डबल सी, उसके बाद में क्या है, बी है, फिर डबल सी है, फिर क्या है, बी है, बट डबल सी से पहले क्या है, ए है, ठीक है, कि यहाँ क्या हो रहा है कि डबल सी, उससे पहले ए और उसके बाद में बी, तो देखो यहाँ डबल सी ये रहा, उसके बाद में बी आया, तो डबल सी से यहाँ से देखो कि डबल सी से पहले क्या है, डबल सी के बाद में तो बी है, बट डबल सी से पहले क्या है, ए है, तो ये रहा डबल सी, उसके बाद में बी है, तो उससे पहले क्या आना चाहिए, ए, तो देखो क्या बना, डबल सी ए डबल सी बी, तो नेक्स्ट क्या बनेगा, डबल सी ए डबल सी बी डबल सी ए डबल सी बन गया। अपने को क्वेश्चंस को सिर्फ इतना ही देखना है कि सेम सीक्वेंस आगे कहाँ दिया हुआ है, जैसे यहाँ डबल सी बी दिया हुआ था अपने को, तो अपन ने देखा कि डबल सी बी तो अपने को मिल गया, और उससे पहले क्या है, ए है, उससे पहले अपने को रखना था, तो अपन ने ए रख दिया, तो यहाँ से फिर लॉजिक अपने आप में मिल गया कि डबल सी ए डबल सी बी, फिर डबल सी ए डबल सी बी डबल सी ए डबल सी बी, बस आपको क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाएगा, तो यहाँ पेयर क्या बन गया, यहाँ तक बन गया, सेकेंड पेयर ये बन गया, और ये थर्ड पेयर बन गया, तो अपन ने रखे कौन कौन से, ए, उसके बाद में रखा अपन ने सी, उसके बाद रखा अपन ने फिर से ए और फिर सी, तो क्या क्या रखा अपने, ए सी ए सी, तो ऑप्शन वन इज राइट आंसर। यहाँ एक पर्टिकुलर एक वर्ड या एक लेटर्स का सीक्वेंस बन जाएगा, और वो ही बार बार रिपीट होता रहता है, इसीलिए तो अपन आगे से कंपेयर करके देख लेते हैं कि इससे पहले क्या आ रहा है आगे क्या आ रहा है, और वो लेटर अपन लिख लेते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस ए ए ले, फिर है बी, फिर ए, उसके बाद में ब्लैंक, फिर है बी बी, फिर ब्लैंक, फिर है ए बी, फिर ब्लैंक, फिर है ए ए, ये क्वेश्चन था अपना। अब देखो क्वेश्चन को अपन ध्यान से देखेंगे कि यहाँ क्या है, डबल ए आया, उससे पहले भी ब्लैंक है, आगे भी ब्लैंक है, आगे जाके देखेंगे कि आगे अपने को डबल ए कहाँ दिख रहा है, ये देखो ये अपने को डबल ए मिला, और डबल ए के बाद में क्या मिला, बी, तो मतलब यहाँ अपन क्या रख सकते हैं, डबल ए के बाद में क्या आया, बी आया, ठीक। एक जगह अपन ने देखा कि डबल बी आ रहा है, और एक जगह अपन ने देखा कि डबल ए आ रहा है, ठीक है, और ए से पहले क्या है, बी है, ठीक है, तो यहाँ अपन क्या रख सकते हैं, तो अपना लॉजिक क्या बना, डबल ए डबल बी, तो नेक्स्ट क्या बनेगा, डबल ए डबल बी, फिर क्या बनेगा, डबल ए डबल बी, फिर डबल ए तो बी हो गया, नेक्स्ट आगे और होता तो बी आ जाता, फिर डबल ए आ जाता, फिर डबल बी आ जाता, इस तरीके से चलता रहता, तो अपने को यहाँ से लॉजिक मिल चुका है, क्या मिला, कि डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए नेक्स्ट, तो अपन अब यहाँ लिख देंगे कि क्या क्या आया, अपन ने क्या क्या लिखा है, अपन ने कौन कौन से लेटर लिखे, बी बी ए ए बी, तो यहाँ से अपने को लॉजिक भी मिल चुका था, क्या मिला था कि डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी, फिर डबल ए डबल बी, और ये डबल ए नेक्स्ट आगे होता तो वो आगे हो रहा था, तो अपन ने क्या क्या रखा है यहाँ पे, बी बी ए ए बी,
देखते हैं ऑप्शन बी बी ए ए बी, ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर। तो यहाँ ऑप्शन थ्री हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन सी स्पेस बी सी एन, फिर स्पेस, फिर सी डी सी, फिर स्पेस, फिर एन, फिर स्पेस, फिर डी, फिर सी एन एन, फिर स्पेस, फिर डी। ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपने। अब देखो यहाँ देखते हैं, अपने को हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में प्लेस वैल्यू लिखना नहीं है, अपने को डायरेक्ट ये देखना है कि ये लेटर आगे जाके वापस कहाँ रिपीट हो रहा है। देखो क्या लिखा आपने कि एन सी एन सी, फिर स्पेस, फिर डी है। तो यहां देखते हैं कि एन सी और कहाँ लिखा हुआ है। देखो एन और सी, एन से कहीं नहीं दिखा, बट डी के बाद में अपने को क्या दिखा, सी एन, और ये रहा आगे। देखो डी के बाद में सी एन, और उसके बाद में क्या रहा है, एन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, देखो यहाँ अपने को मिला था डी सी डबल एन, और उससे पहले क्या था, डी था। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, डी रख सकते हैं। भाई यहाँ से कंपेयर के देखो डी सी एन, ये मिला अपने को डी सी एन, उसके बाद क्या है एन, तो अपन ने एन रख दिया, और उससे पहले क्या था, ये डी था, तो ये डी रख दिया यहाँ पे। तो क्या बना, एन सी डबल डी है, सी एन एन सी डबल डी, सी डबल एन, फिर सी, फिर डबल डी, फिर सी सी सी, बाद में आपने को क्या मिला, डबल एन, फिर क्या मिला, फिर से सी मिला, फिर डबल डी मिला, फिर सी, फिर डबल एन, फिर क्या मिला आपने को, डबल डी। तो यहाँ हो गया। आपको इस क्वेश्चन को ही कंपेयर करके देख लेना है, अपने को लॉजिक अपने आप मिल जाएगा। तो देखो अपन ने यहाँ लेटर कौन कौन से लिखे, एक तो लिखा डी, फिर उसके बाद में लिखा एन, फिर से लिखा एन, फिर लिखा सी, और उसके बाद लिखा डी। तो यहाँ पर हमने रखा क्या क्या है, डी एन एन सी डी। ओके, तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं कि डी एन एन सी डी, डी एन एन सी डी। अब देखो यहाँ अपन ने ऑप्शन में जब देखा, तो देखो डी एन एन सी डी किसी भी ऑप्शन में अपने को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मतलब अपन ने जो ऑप्शन रखा वो गलत रखा है। ठीक है, तो इसको अपन वापस देखते हैं। मतलब अपन ने जो किया है वो सही नहीं किया, तो अपन ये देखते हैं कि फिर से अपन ऑप्शन को रख के देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखें, तो देखो बी सी एन यहाँ बन रहा है, डी सी एन, देखो एक जगह डबल एन आया, एक जगह डबल डी आया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ अपन क्या रख सकते हैं, डी रख सकते हैं। अपने पास जैसा ऑप्शन मिल रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड, कि एन सी, फिर क्या हुआ डबल डी, फिर आया सी, उसके बाद में क्या आएगा एन। भाई यहां पर ने देखा था कि डबल एन था, उससे पहले क्या था डबल डी, तो यहाँ देखो डबल एन और डबल डी, उसके बीच में क्या था सी। यहाँ ये देखो यहां से कंपेयर करके देखो, डबल डी सी डबल एन, तो डबल डी सी डबल एन। तो यहां से देखो कि डी और एन कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सेकंड में आ रहा है, तो इसका थर्ड लेटर देखो क्या है, एन है। तो यहाँ से सीक्वेंस को अगर देखते हैं, तो डबल डी सी डबल एन, फिर क्या आया, फिर से आया सी, फिर डबल डी, फिर क्या आएगा सी, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा डबल एन आएगा। भाई डबल डी, फिर सी, फिर डबल एन, फिर सी, फिर डबल डी, फिर सी, फिर डबल एन, फिर नेक्स्ट क्या होगा सी, फिर डबल डी। ठीक, तो यहाँ से देखो ऑप्शन में मिल रहा है कि डी एन एन सी, अब नेक्स्ट क्या है सी, तो यहाँ सी देते हैं। अब देखते हैं सीक्वेंस बना कि नहीं बना, कि डबल डी सी एन ये बना एक, डबल डी सी डबल एन, उसके बाद में फिर से सी आया, फिर से सी आया, फिर डबल डी, फिर सी, फिर डबल एन, फिर से सी आया, फिर डबल डी सी डबल एन, बन गया ये सीक्वेंस बन रहा था। तो यहाँ हो जाएगा, अपन ने लेटर का आंसर लिखे डी एन एन सी सी, यहाँ ऑप्शन से, मतलब आप यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शंस को रख के भी देख सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट एक एक ऑप्शन को रखो और फिर देख लो कि सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं, बस अपना सीक्वेंस बनना चाहिए। अगर सीक्वेंस सही बन गया तो फिर ठीक है, वो ऑप्शन ही हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा अपना ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर, फिर स्पेस, फिर एस ई स्पेस ओ एस, फिर स्पेस, फिर आर, फिर ओ, फिर स्पेस, फिर ई, फिर से आर, फिर स्पेस एस ई। ठीक है,
अब देखते हैं कि यहाँ क्या सीक्वेंस बनता है। आर है, यहाँ देखो आगे जाके देखो कि आर कहाँ दिखा, यहाँ दिखा लेकिन उससे आगे कुछ नहीं दिखा। यहाँ देखो एक आर मिला ये वाला, इससे आगे क्या है ओ, मतलब यहाँ अपन आर के आगे क्या लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं। यहाँ ऑप्शन में देखो कि किसी में है क्या, ऑप्शन वन में है और थर्ड में। अब ऑप्शन वन का तो लेफ्ट है आर और इसका है ई, तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आएगा। एस ई, ई से आगे देखो कि कहीं ई दिख रहा है क्या और उससे आगे क्या दिख रहा है। यहाँ देखो ई मिला और उससे आगे क्या है आर है, तो यहाँ ई के आगे अपन क्या रख सकते हैं आर रखते हैं। तो देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन में किसी में है क्या। यहाँ स्टार्टिंग है ओ, फर्स्ट और सेकंड था, इसका सेकंड लेटर देखा आर, और यहाँ ई, तो ई तो आया नहीं, आ रहा है तो फर्स्ट मिल रहा है, तो ये आगे के लेटर आप एजिटिव लिख दो और फिर सिक्वेंस मिला के देख लेना। ई एस ओ, तो यहाँ अपने रख दिया ई एस ओ। अब अपन देखते हैं कि ये सिक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो आर ओ एस ई, ये बन गया आर ओ एस ई। नेक्स्ट देखते हैं आर ओ एस ई, बन गया सिक्वेंस आर ओ एस ई। फिर नेक्स्ट देखा आर ओ एस ई, बन गया ना एक सिक्वेंस। तो अपन ने ऑप्शन जब वन रखा और उसके बाद अपन ने सीक्वेंस देखा तो बन रहा है कि आर ओ एस ई आर ओ एस ई आर ओ एस ई आर ओ एस ई, बन गया सीक्वेंस। मतलब अपन ने जो लिखा है वो सही है। तो अपन ने क्या क्या लिखा, ओ आर ई एस ओ, ओ आर ई एस ओ, ऑप्शन वन ही रखा था अपने और वो राइट है, उससे सीक्वेंस बन गया, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन वन लीजिए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्लैंक बी ब्लैंक ए ब्लैंक ब्लैंक, फिर एम, फिर स्पेस, फिर बी, फिर स्पेस, फिर ए बी बी एन। तो यहाँ अपने को फिर से वही चीज देखनी है कि यहाँ देखते हैं कि ए कहाँ दिखा अपने। नेक्स्ट आगे देखो ए, उसके आगे तो सेकंड खाली रह गया, तो लास्ट लास्ट में चलो कि यहाँ ए दिखा, उसके बाद में क्या है डबल बी और उसके बाद क्या है एन है। तो यहाँ ए के बाद में पर अगर अपन डबल बी रखते हैं तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, यहाँ तीनों ऑप्शन अभी सही है, सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन फोर्थ, लेकिन यहाँ सेकंड लेटर चले तो एन एन ए आ रहा है। तो यहाँ से अगर देखिए तो देखो क्या बिना था कि ए फिर डबल बी फिर एन था, तो यहाँ से डबल सॉरी ए फिर डबल बी, तो नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, अभी तक अपने सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है ठीक है, तो डबल ए सॉरी ए डबल बी फिर एन, तो यहाँ से नेक्स्ट वापस क्या आना चाहिए, ए आ गया। तो अब क्या आएगा, ए के बाद में यहाँ देखा कि क्या आया था डबल बी आया था, तो अपन भी क्या कर देंगे कि ए के बाद में डबल बी रख देंगे, तो ए के बाद में डबल बी रख दिया, फिर क्या आ गया एन आ गया। उसके बाद में फिर से देखते हैं कि यहाँ डबल बी आया, उससे पहले क्या था एन ए, तो ए डबल बी एन फिर ए डबल बी एन, ठीक है सीक्वेंस बन गया। तो यहाँ देखो कि सीक्वेंस अपना क्या क्या बना है, सीक्वेंस अपना बना है ए डबल बी एन, उसके बाद बना ए डबल बी एन, फिर बना है कि ए डबल बी एन, फिर बना ए डबल बी एन। तो देखो यहाँ अपन ने रखा क्या क्या है, अपन ने रखा है यहाँ पे बी एन बी फिर ए एन बी एन बी ए एन बी एन बी ए एन, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। इस तरीके से देखना आपको क्वेश्चंस के अंदर ही कंपेयर करके देख लेना है, जब एक सीक्वेंस बन जाएगा फिर उससे नेक्स्ट अपन सेम उसी टाइप का बना देंगे, नेक्स्ट तो फिर चलता रहेगा सेम सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने को कि एम स्पेस ओ एम एम फिर एन फिर स्पेस फिर एम फिर स्पेस फिर एन ओ फिर एम एम एन स्पेस फिर एम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर ही कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है कि एम है फिर स्पेस है फिर ओ है, तो आगे जाके देखते हैं कि कहीं ऐसा हो रहा है क्या, ओ कहीं दिख रहा है क्या अपने, ओ यहाँ दिखा, उससे आगे एम था, उससे पहले क्या था एन था, यहाँ ओ दिखा अपने को, यहाँ ओ था क्योंकि अपने पास, अब यहाँ ओ से पहले तो एन है, ओ के बाद में एम है, तो यहाँ देखो ओ के बाद में तो एम आ गया, यहाँ डबल एम था तो ओ के बाद में देख लो कि डबल एम आ रहा है, बट ओ से पहले क्या आया एन, तो यहाँ अपन क्या रख सकते हैं एन रख सकते हैं। तो सीक्वेंस क्या बना, एन ओ डबल एम, फिर एन आया तो क्या आएगा एम भाई, एन ओ डबल एम फिर एन ओ डबल एम फिर एन ओ डबल एम फिर एन ओ, फिर नेक्स्ट आगे होता तो और आगे आ जाता, तो यहाँ अपने से सीक्वेंस बन चुका है। यहाँ सीक्वेंस क्या बना कि एन ओ डबल एम फिर एन ओ डबल एम फिर एन ओ डबल एम फिर एन ओ एम, नेक्स्ट आगे होता तो आगे और बन जाएगा, ठीक है सीक्वेंस बन चुका है। अब अपन ने देखते हैं यहाँ कि अपन ने लिखा कि क्या क्या है, एन ओ एम ओ एन ओ एम ओ, देखते हैं एन ओ एम ओ, ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर, ठीक इसी तरीके से करना है, मतलब आपका आंसर इसके क्वेश्चंस के अंदर ही होगा, बस आगे देख लेना है कि वो लेटर कहाँ दिख रहा है, उससे पहले क्या दिख रहा है, उसके बाद में क्या दिख रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आर स्पेस एस आर स्पेस टी एस, फिर आर आर टी, फिर स्पेस, फिर आर आर, फिर स्पेस, फिर एस और आर, ठीक है, ये लिखे हम। अब देखते हैं इसको कंपेयर करके, देखो आर था फिर ब्लैंक है और फिर एस है, तो यहां देखो कि आर के बाद में यहां भी अपने को आर दिख रहा है, एस के बाद में भी यहां भी आर दिख रहा है, बट एस से पहले अपने को क्या दिखा, यहाँ पे टी दिखा, तो यहाँ एस से पहले अपन क्या रखेंगे, टी लिखेंगे, और एस के बाद में क्या दिखा अपने को, डबल आर दिखा, तो ये कर दिया अपन ने डबल आर। तो देखो सीक्वेंस क्या बना, टी एस डबल आर, फिर देखो देखो टी एस डबल आर, फिर टी, तो नेक्स्ट क्या बनेगा, एस डबल आर, फिर टी एस आर, नेक्स्ट आगे हो रहा तो आगे हो रहा जाता, तो यहाँ से अपने सीक्वेंस बन गया। देखो इसी तरीके से आपको सीक्वेंस बना लेना है, बस एक जगह ऐसा दिया हुआ होगा जहां से अपने को पता चल जाएगा। तो देखो टी एस डबल आर, टी एस डबल आर, फिर टी एस डबल आर, फिर टी एस, नेक्स्ट आगे होता तो आगे, तो अपन ने यहाँ लेटर कौन कौन से लिखे, टी लिखा, फिर आर लिखा, फिर एस लिखा, फिर टी लिखा, तो देखो टी आर एस टी, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्पेस बी ए, फिर स्पेस, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर स्पेस, फिर सी ए स्पेस बी। अब इसको भी कंपेयर करके देखते हैं कि आगे देखो ए दिखा, उसके बाद में ब्लैंक है, उसके बाद में बी है, फिर डबल ए है, तो यहाँ देखा कि डबल ए के बाद में क्या है, बी है, फिर तो डबल ए के बाद में अपन क्या रख सकते हैं, ठीक, और यहाँ अपन ने देखा कि ए के बाद में फिर स्पेस है, फिर सी आ गया, मतलब इसके सी भी आ रहा है, सी के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और फिर खाली है, मतलब लेकिन ए डबल चल रहा था, और बी से यहाँ देखो, यहाँ से पता चलेगा कि बी के पहले क्या है, डबल ए है, और बी के बाद में क्या है, फिर भी ए है, आगे का तो पता नहीं, लेकिन बी से पहले भी डबल ए है और बी के बाद में भी क्या है, ए ही है, तो यहाँ देखो बी से आगे तो अपने को डबल ए मिल गया, और बी से पहले क्या है, ब्लैंक का, तो यहाँ क्या रखेंगे अपन, ए रखेंगे, यहाँ से देख लो कि बी के पहले क्या है, डबल ए, तो बी के पहले डबल ए कर दिया, तो यहाँ से अपना क्या बना सीक्वेंस की डबल ए बी डबल ए, फिर नेक्स्ट देखो अपन यहाँ एक जगह अपन को सी भी मिला है, तो यहाँ अपन एक बार सी रख के देख लेते हैं, या फिर ऑप्शन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो कि यहाँ ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में आ रहा है कि ए आ रहा था, एक बार सी आया है, एक सेकंड में बी आया, तो एक बार अपन सी से करके देखते, तो अपना क्या बना डबल ए बी डबल ए सी, फिर डबल ए बी, तो नेक्स्ट क्या होगा डबल ए सी, फिर क्या बनेगा डबल ए बी, नेक्स्ट क्या आएगा डबल ए सी, फिर डबल ए बी डबल ए सी, मिल गया अपने को सीक्वेंस, तो ये किससे मिला अपने को, ऑप्शन थर्ड से। इस तरीके से आप ऑप्शंस की हेल्प भी ले सकते हो, मतलब कुछ एक थोड़ा लॉजिक अपने को यहाँ क्वेश्चन से मिल जाएगा, कुछ अपन यहाँ से ऑप्शन से ले लेंगे, तो यहाँ अपने को क्या मिला लॉजिक की डबल ए बी डबल ए सी, फिर डबल ए बी डबल ए सी, और नेक्स्ट आगे और तो अपन ने लेटर्स क्या क्या लिखे यहाँ पे, ए सी ए ए, तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम एन ओ एन ओ पी क्यू ओ पी क्यू आर एस, मतलब यहाँ क्या देखो, पिछले जो अपन ने क्वेश्चन किए हैं ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है कि वहां ब्लैंक स्पेस बीच में आ रहे थे, बट यहाँ कंटिन्यू लेटर्स आ गए, और लास्ट में अपने को पूछा है कि आगे का सिक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन, आपके कई बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, देखो एम एन ओ, फिर एन, फिर आ गया ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर ओ पी क्यू आर एस, और फिर अपने को फाइव ब्लैंक दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 ब्लैंक दे रखे हैं, कि आगे के फाइव लेटर्स अपने को बताने की क्या होंगे, तो यहाँ क्या होगा कि लेटर्स देखो क्या दिखा, एम एन ओ, फिर आया एन ओ पी क्यू, फिर आया ओ पी क्यू आर एस, तो यहाँ से अपने को क्या सीक्वेंस मिला कि पहले क्या था एम एन ओ, तीन लेटर थे एम एन ओ, उसके बाद क्या हुआ कि एम को उसने हटा दिया और क्या लिखा, फिर एन से स्टार्ट किया एन ओ पी क्यू, मतलब एक लेटर का इंक्रीमेंट कर रहा है और फर्स्ट लेटर को रिमूव कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट में क्या करना चाहिए, एन को रिमूव करे और नेक्स्ट लेटर बढ़े, तो यहाँ देखो ओ से स्टार्ट किया उसने, तो एन ओ पी क्यू आर, यहाँ चार लेटर थे तो नेक्स्ट कितने आएंगे, पांच लेटर आएंगे, तो ओ पी क्यू आर एस आ गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, अभी इसने किया क्या, पहले थ्री लेटर थे, फिर फोर लेटर, फिर फाइव लेटर, तो नेक्स्ट क्या आएंगे, सिक्स लेटर आएंगे, बट अपने से फाइव ही पूछे तो अपन फाइव ही बताएंगे, ठीक है, बट उसने किया क्या है कि फर्स्ट लेटर को रिमूव करता है और एक लेटर इंक्रीज करता है, तो यहां से फर्स्ट लेटर को इंक्रीज करेंगे तो अपन किसको उठा देंगे, ओ को, तो स्टार्टिंग अपन क्या से करेंगे, पी से, तो पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, तो अपन ने लिखा क्या क्या है, अभी पी क्यू आर एस टी,
तो ये देखेंगे कि पी क्यू आर एस टी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन वन में इज राइट आंसर, इस तरीके से करना है। मतलब यहाँ अपने को डायरेक्ट स्क्रीन से देखते हुए चलना है कि क्या हो रहा है, किसको रिमूव कर रहा है, ऐड कर रहा है या कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट सेम ऐसा ही है, इक्वेशन है बी सी जेड वाई फिर डी ई डब्ल्यू फिर वी फिर एफ उसके बाद में जी फिर यू फिर टी फिर एच, और नेक्स्ट लेटर अपने को बताना है, एक ही बताना है इस बार। ठीक है, तो यहां अपन देखते हैं कि फर्स्ट क्या लिखा हुआ है बी सी, और फिर क्या लिखा है जेड वाई, फिर है डी ई, मतलब पहले आया बी और सी, उसके बाद में लिख दिया उसने दो छोड़े और फिर डी ई, उसके बाद में बी सी फिर डी ई, मतलब कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, अल्फाबेट्स बी सी फिर डी ई, तो इसके नेक्स्ट क्या आना चाहिए था एफ जी, तो देखो एफ जी आ गया, उसके बाद में क्या आना चाहिए था एच और आई आना चाहिए, तो जो यहाँ क्या आएगा आई आएगा, और इसको देखते हैं अगर, तो देखो इसका भी सीक्वेंस बन रहा है, अगर आगे के लेटर पूछ लिए तो कैसे करते हैं कि जेड वाई, फिर यहां उसने क्या किया जेड वाई फिर डब्ल्यू वी फिर यू टी, तो नेक्स्ट क्या आ जाता है एस, बट अपने को एक ही पूछा है तो अपने को यहाँ क्या रखा, अपने आई रखा, तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ इज आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अपने स्मॉल लेटर्स में बेस्ट क्वेश्चंस की अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इसी तरीके की रीजनिंग के क्लासेस लेने के लिए एंड कंटिन्यू वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ आपको रीजनिंग का टोटल सिलेबस करवाया जाएगा, एंड देन आपको मैं मॉडल पेपर्स करवाऊंगा। ठीक है, ये आपके ऑल एग्जाम्स में वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके स्मॉल लेटर्स के आते ही हैं और ये बहुत इजी होते हैं, अपन ने देख लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से कंटिन्यू क्लासेस देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू। Take free offline mock test every Sunday and evaluate your preparation. For this, visit our academy. Jai Hind.